जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और मेरे को ये ट्रैक्टर चलाना सिखाना है, पर मेरा भाई है ना बहुत बिजी रहता है, वो सिखाता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बैठ लेती हूँ। तो अभी मेरे को खाने के लिए खेत में जाके कॉलीफ्लावर लानी है, तोड़ के बहुत फ्रेश वाली। तो खेत में फ्रेश फ्लावर कैसे होती है मैं आपको दिखाती हूँ, तो चलो मेरे साथ। और जैसे मार्केट में जाके आप सब्जियां लाते हो ना, वैसे मैं खेतों में जाके सब्जियां चुन चुन के लाती हूँ, और वो भी ना जो पसंद आए उसी में से, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे नाप तोल करके तो लाती नहीं मैं। एक बार मेरा घमेला भर जाए ना, तब तक मैं पीछे नहीं हटती, या मेरे पास कोई बैग हो तो उसको भी मैं पूरा भर लेती हूँ। इसी तरह से अभी चाहती हूँ पूरा खेत हमारा कॉलीफ्लावर से भरा हुआ है और फ्रेश है बहुत सारी, तो चलो वही चलते। तो आप देख सकते हो ये इतने सुंदर सुंदर गड्ढे हमारे कॉलीफ्लावर के आ चुके हैं, और अभी ये शुरू भी नहीं किया, ये बस घर के खाने के लिए ले रहे हैं हम लोग। और ये पत्ते है ना, इसको जानवरों को खिला देंगे, क्योंकि इसका कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। और अभी पूरा खेत भरा है, और मार्केट में इसको रेट भी बहुत अच्छे, और ये कितने फ्रेश होते हैं देखो खेतों में, अब तक आते आते ये मैले हो जाते पर ये ऐसे ही बहुत सारे और बहुत ज्यादा आ गए। अभी सब निकालने को आ गए, तो एक साथ नहीं आते सब, कभी तीन दिन के आड़े हम लोग इसको निकालते हैं। तो इसी तरह से हम लोग मार्केट को भेजेंगे अभी इसको। और जब हम लोग ये मार्केट को भेजते हैं ना, तो इसको ये पैकिंग की तरह भेजते हैं, इसको कट नहीं करते। तो लेकिन अभी ये घर में क्यों पसारा लेके जाए, इसलिए इसको ये इसको खिला देंगे और ऐसे लेकर जाएंगे। लेकिन जब मार्केट को भेजते हैं ना, तो इसी को इसी के बीच में ऐसे पैक करते, तो ये खराब भी नहीं होता।
तो मैंने बोला ना बहुत फ्रेश वाली सब्जी मैं लेकर आ रही हूँ, तो देखिए अभी इसका घर में जाके गोभी पकौड़ा बनाएंगे, गोभी की सब्जी बनाएंगे, गोभी कंटे की बनाएंगे, ढेर सारे इंग्रेडिएंट बनाएंगे जो मेरे कृष्णा माओ अदिति और घर में सबको पसंद है, सारी चीजें बनेंगी, लेकिन फ्रेश फ्रेश कॉलीफ्लावर से। आपके पास होते हैं क्या इतने अच्छे से फ्रेश वाले कॉलीफ्लावर? तो होंगे तो हम लोगों को भी बताना कमेंट्स में, और हमारे कैसे लगे आपको ये भी बताना। तो इतने अच्छे से माहौल से लेकर जाओ और फिर बनाओ तो खाने में मजा भी बहुत आता है और पकाने में। तो आज तो मेरे को इतना ही करना था, तो मैंने चला चलो फ्रेश फ्रेश ला के दिखाती हूँ आपको। तो अभी मैं घर पे भी आ चुकी हूँ, पास में इधर खेत इधर घर। तो आज की वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल। तो फिर मिलते हैं नए नए अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।